विगत दिनों से जिले में जारी बारिश थम गई, मात्र बिन बारिश जिले में भयावह बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में हुई अतिवृष्टि के चलते पेंच नवेगांव धरण का पानी भारी मात्रा में कन्हान नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कन्हान नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से हालात बिगड़ गए, कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है, तो कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई गांवों में बाढ़ से जानवर की मौत हो गई, ऐसे में यहां के लोग संकट में पड़ गए। खापरखेड़ा क्षेत्र में बिना गांव के पास ही कोलार, पेंच और कन्हान नदियों का संगम होता है। लगातार बारिश के बाद तीन नदियों के संगम ने भयानक रूप ले लिया। बिना संगम गांव के अनेक लोग फंस गए। इन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान, सामाजिक कार्यकर्ता देर तक बचाव कार्य में जुटे रहे। नागरिकों ने जितना सामान हाथ में लगा वह लेकर वहां से निकले भी। पूरे मकान पानी से डूब गए हैं। पारशिवनी और रामटेक के बीच जोड़ने वाला पुलिया कुछ रास्ता ढह जाने से दोनों गांव में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही वहां नदी किनारे खेतों का नुकसान भी हुआ है। पीटोसी रत्नाकर सर, तो वही पेंच नवेगांव बांध के 16 दरवाजे खोले जाने की जानकारी वहां के अधिकारियों द्वारा दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने अभी जो एक स्थिति का जायजा लिया, पेंच धरण के हमने यहां पर स्थिति को देखा, यहां पर 16 के 16 दरवाजे जो है आज इस वक्त आधे मीटर से खोले गए हैं। इस बाबत का विस्तृत जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है रामटेक सर, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे स्थिति की समीक्षा करते हैं। रामटेक जी, हमें बताइए कृपया कि क्या स्थिति रही है ये बीते दो तीन दिनों की। अभी बात कही जाए तो दो तीन दिन पहले की, तो मुझे लगता है दो तीन दशकों का पहले का ये सबसे ज़्यादा बारिश हुई है इस कैचमेंट में। और वैसे बताया जाए तो MP में भी जो ज़्यादा बारिश हुई है उसके कारण जो पहला डैम आता है हमारा चौराई और उसके बाद आता है तोतला रोड, इनके कैचमेंट में भी बहुत बारिश होने के कारण हमारा डैम लगभग दो दिन पहले 100% के अभाव चला गया था। तो उस नतीजे को देखते हुए हमने काफ़ी अच्छे से मतलब डैम कंट्रोलिंग करने से और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, AC साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में और जो लोकल लेवल पे हमारे तहसीलदार साहब हैं और पुलिस स्टेशन के लोग हैं उनके सहकार्य में, हमारे कर्मचारी के सहकार्य से हमने डैम के ऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से निभाए, जिसके कारण यहाँ पे कुछ भी कैजुअलिटीज़ की कोई भी आशंका नहीं रही है और वो अभी रेकॉर्ड में भी आई नहीं है, अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज़ रेकॉर्ड नहीं हुई है। तो हमने उस दो तीन दिन में हमारे जो डैम की कैपेसिटी थी 100% उसके पार भी लगभग गए थे हम 100% के, जिसके कारण हमने फ्लड एब्सॉर्ब कर लिया था डैम में और हमारे डैम गेट के ऑपरेशन हमने 6 मीटर से ओपन कर ली थी, जिसके होते हुए डिस्चार्ज लगभग 6 या 7 हज़ार क्यूमिक तक बढ़ गया था, जिसके कारण जो पेंच नदी है उसका जो विसर्ग है बहुत बढ़ गया था। और अभी क्या स्थिति है आज की देखी जाए तो कल से हमने डैम ऑपरेशंस थोड़े कम कर दिए हैं क्योंकि बारिश तो ख़त्म हो गई थी कल ही, तो इसके कारण अभी हमारा वैसे डैम तो अभी भी 100% भरा ही हुआ है, लेकिन हमारा फ्लड कंट्रोल करने के लिए हमने हमारे डैम की कैपेसिटी 100 के आसपास और थोड़ा सा भरा के नदी का डिस्चार्ज कम करके नीचे के गाँव में फ्लड से राहत मिलने के लिए हमने थोड़ा सा डिस्चार्ज कम करके रखा है और अभी 0.5 से 16 की गेट चालू है और वो अभी दो तीन दिन तक वही उसी हिसाब से चलते रहेंगी। जिसके बारिश अगर बढ़ती है तो क्या और ज़्यादा मात्रा में गेट खोलने की संभावना हो सकती है? अगर बारिश लगभग हो गई, वैसे अभी वेदर फोरकास्टिंग से हमने हमारी दो तीन हफ्ते भर की इंफॉर्मेशन हम लेते रहते हैं, उनके हिसाब से कहा गया तो अभी कुछ दिनों के लिए बारिश की उतनी संभावना नहीं है, फिर भी अगर बारिश बढ़ती है तो हमें उसके अनुसार ये ऑपरेशन को ऑपरेट करना पड़ेगा। आजू बाजू के गाँव वाले को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो पुलिस की मार्फत आपको देनी पड़ती है, क्या व्यवस्था है उसके लिए? हम हमारे तहसीलदार साहब है, पुलिस स्टेशन है, उनसे हम 24 घंटे 24x7 कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होता है, गेट की बड़ा होना या चढ़ाव होता है, कम होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम कंटिन्यू उनसे बात चलती रहती है, उससे वो भी उतने सतर्क रहते हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में कितना लेवल बढ़ सकता है, तो वो उस हिसाब से
वो लोगों को सतर्क करते रहते हैं। हमारे साथ में बात कर रहे थे राम टेके जी, जो इन्होंने अभी अभी यहाँ पे पदभार संभाला है पेंच जलाशय का, जो यहाँ पर डैम है उस पर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से बीते कुछ दिनों में उन्होंने कैसे फ्लड कंट्रोल को करने के लिए जो गेट खोले गए थे उसकी विस्तृत जानकारी थी यहाँ पर हमें दी गई है। इन विषय की रत्ना करते हैं। रामटेक तहसील स्थित तोतलाडो बांध में जल भंडारण शत प्रतिशत हो जाने की वजह से और पानी की आवक अत्यधिक होने के कारण 26 वर्षों के बाद सभी 14 दरवाजे को 5.5 मीटर तक खोल दिया गया। इसके पूर्व वर्ष 1994 में भी सभी दरवाजे को 5 मीटर तक खोला गया था। रत्नाकर मुरिक के साथ स्वप्निल बंधाड़े की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़।